Hello everyone and welcome to my channel Some Sugar Some Spice. So today in this video we will explore Himachal Pradesh और मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट आइटनरी शेयर करूंगी, वेयर आई विल टेल यू आप कितने दिन कहां पे स्पेंड करें, कैसे ट्रैवल करें, कुछ अफोर्डेबल एंड कुछ लग्जूरियस स्टे रिकमेंडेशंस एंड ऑफ कोर्स कौन सी प्लेसेस या एक्टिविटीज़ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वाइल ऑन योर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश. सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं विच प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन हिमाचल. वैसे तो हिमाचल हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेस विद सो मेनी यूनिक एक्सपीरियंसेस फॉर एवरीवन. चाहे आपको पहाड़ों के व्यू के साथ मैगी और चाय के मज़े लेने हो या फिर आपको अपने ग्रुप के साथ एक शॉर्ट हाइकिंग ट्रिप पे जाना हो, बट फॉर दिस आइटनरी मैंने कोशिश की है कि हम सब ऑप्शंस का एक फ्लेवर सिर्फ 8 days में एक्सप्लोर कर पाएँ. सो फॉर दिस पर्पज़ आई हैव चोजन 3 cities इन हिमाचल प्रदेश विच आर मनाली, कसौल एंड धर्मशाला. एंड आप अपनी ट्रिप कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं, शुरू के 3 days यू कैन स्पेंड इन मनाली, देन नेक्स्ट 2 days यू कैन बी इन कसौल एंड द लास्ट 2 days यू कैन स्टे इन धर्मशाला. और इस ट्रिप को और आइटनरी को शॉर्ट रखने के लिए एंड टाइम सेव करने के लिए मैंने सारा ट्रैवल वाया फ्लाइट या टैक्सीज के थ्रू प्लान किया है. इफ़ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर ट्रेन एंड बस ऑप्शंस आल्सो डिपेंडिंग आप इंडिया के किस पार्ट से ट्रैवल कर रहे हैं. तो शुरू करते हैं अपनी हिमाचल की ट्रिप को फ्रॉम day 1. सबसे पहले मनाली पहुँचने के लिए यू शुड बुक अ फ्लाइट टू दी भुंतर एयरपोर्ट विच इज़ इन कुल्लू. और कुल्लू से मनाली पहुंचने के लिए यू कैन बुक अ टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट जहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की ट्रिप रहेगी फ्रॉम भुंतर एयरपोर्ट टू मनाली एंड यू कैन इजीली रीच टू योर होटल. होटल के ऑप्शंस के लिए यू कैन वॉच माय अदर वीडियो फॉर द बेस्ट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इन मनाली एंड वहाँ से बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. फॉर द day 1 आफ्टर यू रीच योर होटल आप बचे हुए दिन को अपने ही होटल में रिलैक्स करें और रिफ्रेश हो जाएं. एंड अ बेटर आइडिया हियर इज़ कि आप जो भी होटल मनाली में बुक करें बुक विद अ माउंटेन व्यू. मनाली में बहुत सारे अफोर्डेबल होटल के ऑप्शंस भी हैं एज वेल एज सम लग्जूरियस होटल्स जो कि बहुत अच्छा माउंटेन्स का व्यू देते हैं. सो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर इन योर day 1. और हमारी तरह शाम को आप भी अपने होटल का लाइव म्यूजिक इन्जॉय कर सकते हैं. day 2 की शुरुआत मनाली में आप ओल्ड मनाली से करें जिसमें सबसे पहले आप हडिम्बा देवी टेम्पल और वशिष्ठ टेम्पल एक्सप्लोर कर सकते हैं. 2-3 घंटा वहाँ स्पेंड करने के बाद ओल्ड मनाली का मार्केट जो कि पुराने मनाली की याद दिलाता है, यू मस्ट गो देयर आल्सो ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए. कुछ वुलन्स की शॉपिंग हो या फिर घर वालों के लिए सोवेनर लेके जाना हो तो आप ओल्ड मनाली के मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं. उसके बाद जो एक सबसे हैपनिंग प्लेस है मनाली की जो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ द मनाली मॉल रोड. मनाली का हार्ट है इज़ इट्स मॉल रोड एंड काफ़ी ज़्यादा लाइवली रहता है वहाँ का माहौल. सो रात का समय आप मॉल रोड में स्पेंड करें विद सम शॉपिंग एंड ऑब्वियसली मोमोज एंड बहुत सारी डिशेस के साथ. द लास्ट थिंग विच यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इन मनाली आर दी कैफेज ऑफ मनाली. नाउ मनाली के कौन से कैफेज अच्छे हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए यू कैन वॉच माई वीडियो फ्रॉम माई हिमाचल प्लेलिस्ट. उसमें मैंने 2 बहुत ही खास कैफेज बताए हैं जहाँ का हॉट चॉकलेट बहुत ही फेमस है. सो डू एक्सप्लोर दैट वीडियो. अब बात करते हैं day 3 की. day 3 स्टार्ट करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दी लाहौल एंड स्पिति वैली. बेसिकली मनाली से भी ऊपर जाके वी हैव लाहौल एंड स्पिति वैली जहाँ पे देर इज़ अ विलेज कॉल्ड खोक्सर एंड रोहतांग पास एज वेल. तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द मंथ यू आर गोइंग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रोहतांग पास ओपन है या नहीं, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन यू कैन स्टिल गो टू खोक्सर विलेज. नाउ मैंने खोक्सर विलेज एंड लाहौल एंड स्पिति के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है सो यू कैन वॉच दैट लेटर ऑन. बट ये ट्रिप प्लान करने के लिए आप जब 1 दिन पहले मॉल रोड में वॉक कर रहे थे तभी वहाँ से आप बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं, यू कैन बुक अ 1-day tour फॉर yourself फ्रॉम अ टैक्सी जिससे आप सुबह निकल के शाम तक अपने होटल वापस आ सकते हैं बाई एक्सप्लोरिंग रोहतांग पास और खोक्सर विलेज. एंड येस डू नॉट मिस द लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, द अटल टनल जो आपको रास्ते में पड़ेगी. एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन एक्सप्लोर सोलांग वैली एज वेल.
और वहाँ पे आप स्नो एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग या वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन डू। हम लोगों ने एक ज़िपलाइनिंग भी करी थी विच वॉज ऑन द वे फ्रॉम सोलांग वैली टू मनाली, एंड यू कैन हैव अ वेरी नाइस फुल डे टूर टू दैट प्लेस। लेट्स मूव टू आर डे फोर। डे फोर की शुरुआत करते हैं हम अपनी रोड ट्रिप से फॉर आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज कसौल। आप मनाली से टैक्सी बुक करके कसौल तक जा सकते हैं एंड दिस वुड बी अराउंड 2 से 2.5 घंटे की जर्नी। नाउ दी रोड ट्रिप इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, बट उसके अलावा जस्ट रिमेंबर कि रास्ते में यू हैव सम रिवर वाटर राफ्टिंग साइट्स एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन एक्सप्लोर दोज। नाउ आई हैव अ सेपरेट वीडियो जो कि मैंने बनाई है फॉर दिस रिवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो कसौल की सारी डिटेल्स, हमने कहाँ पे स्टे किया और क्या क्या आप घूम सकते हैं। सो फॉर डिटेल्स यू कैन चेक दैट वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कसौल में कोई होटल ना बुक करके बुक दीज हट्स और कॉटेजेस विच आर बेसिकली ऑन दी रिवर बैंक्स। आप कोई भी अच्छे से कॉटेजेस या रिवर साइड हट्स बुक कर सकते हैं फॉर कसौल, बट फॉर द आइटनरी पार्ट कसौल का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और सूदिंग होता है। लाइक फॉर पूरे हिमाचल में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कसौल में लगा एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्वती वैली, पार्वती रिवर का बहता पानी। सुबह आप निकले डे फोर में एंड देन 2-3 घंटे की जर्नी करके टेकिंग अ ब्रेक आप कसौल पहुंचते हैं। यू रिलैक्स एट योर प्रॉपर्टी टिल द इवनिंग और शाम में आप कसौल का मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। कसौल में सबसे ज़्यादा फेमस इजरायली कैफेज़ हैं, सो मेक श्योर कि आप किसी न किसी कैफ़े में इजरायली फूड ज़रूर ट्राई करें और कौन सा कैफ़े ट्राई करना है वो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। डे वन आप थोड़ा रिलैक्सिंग रखें, इजरायली फूड ट्राई करें, मार्केट घूमें और आ जाएं। डे फाइव के लिए यू हैव टू मेक अ ट्रिप टू मणिकरण गुरुद्वारा एंड शिव टेम्पल। कसौल के मेन मार्केट से ही बहुत ही नॉर्मल से रेट से आपको टैक्सी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मणिकरण जा सकते हैं। नाउ मणिकरण इज़ अ प्लेस जो कि फेमस है अपने हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए, मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के लिए एंड शिव टेम्पल के लिए। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस, इस जगह को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड यू विल हैव सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई हैव शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस इन माई वीडियो, आई वुड रिकमेंड उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। कसौल में 2 रिलैक्सिंग और बहुत ही सूदिंग डेज स्पेंड करने के बाद इट्स टाइम फॉर आर थर्ड डेस्टिनेशन और डे फाइव में हम सुबह सुबह निकलेंगे अगेन ऑन अ रोड ट्रिप टू दी धर्मशाला। नाउ धर्मशाला इज द प्लेस विच इज नोन बिकॉज ऑफ इट्स धौलाधार रेंजेस एंड अ लॉट मेनी मोर थिंग्स। कसौल से जब आप निकलेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे की जर्नी होगी फ्रॉम कसौल टू धर्मशाला, बट आई मस्ट से दिस जर्नी इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, क्योंकि जब धौलाधार रेंजेस दिखती है ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नाउ डे फाइव में आप धर्मशाला पहुंच के अपने होटल में रेस्ट कीजिए और होटल का रिकमेंडेशन, इफ़ यू हैव बजट देन आई मस्ट से प्लीज़ गो फॉर हयात रेजेंसी। आई थिंक इट इज़ दी ओनली 5-star होटल इन दैट रीजन एंड आई हैव दैट वीडियो ऑल्सो, आप उस वीडियो को चेक करिए एंड देखिए अगर वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है देन आई वुड से बुक दैट होटल। और डे फाइव में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस होटल में ही रिलैक्स करिए एंड यू विल फील रियली गुड। नाउ लेट्स कम टू डे 6 जहाँ आपको धर्मशाला और मैक्लियोडगंज दोनों एक्सप्लोर करने हैं। सो धर्मशाला में एक्सप्लोर करने के लिए नंबर 1 इज द धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। येस, वाई अ क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम भी बहुत ही अमेजिंग व्यूज के साथ आता है। तो अगर इफ़ यू थिंक कि कोई मैच वहाँ पे पड़ने वाला है तो आप अपना प्लान उस हिसाब से कर सकते हैं, बट इफ़ नॉट देन एम्प्टी स्टेडियम भी विजिटर्स के लिए ओपन रहता है, यू कैन गेट अ टिकट एंड विजिट दैट स्टेडियम। After you have covered the stadium, उसके बाद आप भक्सुनाथ टेम्पल एंड भक्सुनाथ वाटरफॉल जा सकते हैं। वाटरफॉल वाले एरिया के पास जहाँ पे टेम्पल है, द मार्केट इज़ गुड, थोड़ा सा तिब्बतन मार्केट है, सो यू कैन डू सम शॉपिंग एंड एक्सप्लोर दैट एरिया, और काइंड ऑफ मॉल रोड एरिया है जिसको आप एक्सप्लोर करके शाम तक वापस आ सकते हैं। नाउ फॉर योर डे 7 यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मैक्लियोडगंज। धर्मशाला और मैक्लियोडगंज काफ़ी एडजेसेंट सी प्लेसेस हैं एंड आई थिंक
Now they have started a cable car service from Dharamshala to McLeodganj. So you can check that experience also. But specifically in McLeodganj, aapko monasteries or I should say Tibetan temples zarur visit karne hain. They will be an experience for sure. Or Tibetan mall road and market McLeodganj ka local market is also very good. उसके अलावा द फूड वाइज ऑप्शन विच यू शुड एक्सप्लोर इज गो फॉर अ तिब्बतन रेस्टोरेंट. और हाँ, मेरी सजेशन में द रेस्टोरेंट वुड बी कलिम्पोंग. यू कैन चेक माई धर्मशाला एंड मैक्लियोडगंज वीडियो. और जो चीज़ आपको बिल्कुल ट्राई करनी है वो है दी मोमोज. एंड माई रिकमेंडेशन इज सम जिंजर हनी लेमन टी. इट वॉज अमेजिंग. तो ये थी मेरी सारी रिकमेंडेशंस फॉर धर्मशाला एंड मैक्लियोडगंज. इसके बाद आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड योर डे 7, on day 8 and on the last day you can go to the Kangra airport again from a taxi. Aap ek taxi leke Kangra airport ja sakte hain aur Kangra airport se you can have your flight to your way back home. So this was all in my itinerary for Himachal Pradesh. And if you have any questions, any suggestions for me, do let me know in the comment section. I hope मैं आपकी हिमाचल की ट्रिप को प्लान करने में कुछ हेल्प कर पाई. If you like it, please like the video, share it with your friends and do not forget to subscribe to my channel. I'll see you in my next one. Till then, take care, bye-bye and thank you for watching.